चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अचीवर सीरीज के एरर रिडक्शन क्वेश्चन के। और आज का पैटर्न क्या है, पहले मैं आप लोगों को पैटर्न बता देती हूँ, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द डे। आज का पैटर्न ये है कि आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन तीनों सेंटेंसेस में से बताना है कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो इनकरेक्ट है। सो यू आर गिवन 3 सेंटेंसेस, इसमें मोर देन 1 इनकरेक्ट वाला है। पिछला पैटर्न जो हमने किया था आप लोगों को याद होगा, जिसमें एक ही इनकरेक्ट था। अब इसमें एक इनकरेक्ट नहीं है, इसमें मोर देन 1 इनकरेक्ट वाला पैटर्न है ये। तो आपको वो सारे के सारे सेंटेंसेस बताने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। और आपके पास 45 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। इको आ रहा है, चलो मैं साउंड जब तक ठीक कर रही हूँ जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो मैं साउंड जब तक ठीक कर रही हूँ जब तक आप इस क्वेश्चन। ओके, चलिए द टाइम इज अप। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन से सेंटेंसेस में एरर है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा, वैष्णवी एंड संकेत। वैष्णवी और संकेत जो है उन्होंने फ्रैंटिकली का मीनिंग क्या होता है, अनकंट्रोलेबली या एक्साइटमेंट के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए। तो इन्होंने क्या किया, वैष्णवी और संकेत ने फ्रैंटिकली अपील किया, रिक्वेस्ट किया। पासर्स बाइज नहीं होता बेटा, पासर बाय का मीनिंग क्या होता है, जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पासर बाय। ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है पासर्स बाय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिक्वेस्ट किया पासर्स बाय को कि वो उनको हेल्प करें। तो पासर बाइज नहीं आएगा, पहला सेंटेंस गलत है, उसमें क्या आएगा, पासर्स बाय आएगा। पासर बाय का प्लूरल पासर्स बाय होता है। चलो अगला पढ़ते हैं, द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ उन्होंने मुझको बोली वो क्या थी, हाउ हैड ही मैनेज टू रन हिज होम। अब देखो ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो बेटा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा। इसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज इट, इट इज अ स्टेटमेंट। और हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है। इसका मतलब ही हैज, आई एम। क्वेश्चन के केस में उल्टा हो जाता है, क्वेश्चन के केस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है। मतलब हैज ही या हैड ही, एम आई। क्या डिफरेंस क्लियर है सभी को स्टेटमेंट और क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पे हाउ हैड ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाउ ही हैड। उसने कैसे मैनेज किया। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या साउंड की, रुको एक मिनट। हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में आएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दो आप लोग। नाउ इज इट ओके, अब ठीक है सभी का, यस अब ठीक है। चलो तो बी वाला भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है। हमने थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ा। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप है कंप्राइज्ड ऑफ नहीं होता बेटा, हमेशा याद रखना। पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड ऑफ होता है, एक्टिव वॉइस में सिर्फ कंप्राइज होता है। एक्टिव वॉइस में कभी भी कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ कंप्राइज आता है, तो यहाँ पे भी ऑफ नहीं आएगा। तो इस ग्रुप में कौन कौन थे? इस ग्रुप में फार्मासिस्ट थे, वेटरनेरियंस थे, इंडिविजुअल्स थे जो बिजनेस, उनके बिजनेसेस से कनेक्टेड थे। तो इसका मीनिंग क्या है? तीनों ही सेंटेंसेस गलत थे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, ऑल दी सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। सारे के सारे सेंटेंसेस गलत थे। मज़ा आया इस पैटर्न को करने में? कितने लोगों का ठीक निकला ये वाला? हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर्स? तो पहला क्या था? वैष्णव। पहले में मिस्टेक क्या थी? तीनों कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं। पहले में मिस्टेक थी पासर बाय नहीं होगा, पासर्स बाय होगा। दूसरे में स्टेटमेंट जब भी होता है सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, हैड ही नहीं ही हैड होगा। और तीसरे में क्या थी? एक्टिव वॉइस में कभी भी कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता। सिमिलरली कोप अप विद भी नहीं आता है, सिर्फ कोप विद होता है। कोप अप विद बहुत सारे लोगों को आदत होती है कोप अप विद लिखने की, वो भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है? कोप विद होता है। सिर्फ क्या होता है? कंप्राइजेस होता है। यस, चलो अगले सवाल पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थोड़े से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के करवा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँ, इसलिए मैंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चंस का, बट आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर सभी की स्क्रीन पे। चलिए, द टाइम इज़ अप। इसमें देखते हैं क्या क्या एरर्स थी। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं, रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट करती हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। अब हमेशा याद रखना इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें लग रहा है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या कहता है बेटा कि अगर आपका मेन क्लॉज पास्ट में है, मेन क्लॉज किस में है? पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे डाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैड डाइड आएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से डेथ हो चुकी थी। पास्ट ऑफ पास्ट आएगा। रिपोर्ट्स ने बताया मतलब रिपोर्ट्स ने जब बताया उससे पहले ही एक्शन हो चुका था। तो यहाँ पे डाइड भी नहीं आएगा। जो बच्चे कह रहे हैं डाइड आएगा वो भी गलत कह रहे हैं, डाइड नहीं आएगा बेटा, हैड डाइड आएगा। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी इन ट्रक के इनसाइड एक्सट्रीम टेम्परेचर से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। गलत हो गया। सेकेंड वाला देखा जो ग्रिम एपिसोड है, ग्रिम का मीनिंग क्या होता है? सीरियस। जो सीरियस एपिसोड है वो क्या हाईलाइट करता है कि क्या क्या खतरे हैं, पेरिल्स मीन्स डेंजर्स, क्या क्या खतरे हैं वो लोग फेस करते हैं जो आसरा चाह रहे होते हैं या फिर यूएस में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स चाह रहे होते हैं, उनके सामने क्या क्या खतरे हैं वो ये एपिसोड हमें बताता है। कोई एरर नहीं है। थर्ड पढ़ा, डिस्पाइट द सियरिंग समर, इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी के बावजूद भी जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इस रीजन में, वो क्या रहा है? हद से ज़्यादा रहा है। अब ये जो हाई है ना बेटा, ये एडजेक्टिव है। हाई क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। स्टबनली मीन्स बहुत जिद्दीपने से, ढीठपने से। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टबनली हाई, कि हद से ज़्यादा रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो सी थर्ड वाला भी गलत हो गया। तो कौन कौन से गलत हो गए? 1 और 3, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों गलत हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन फेस्ड बाय कैसा है बेटा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाउन के आगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आ जाए तो ये क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्लियर? कितने लोगों का ठीक निकला? हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा टाइमर सभी के लिए। चलो ट्राई इट आउट एवरीवन। टाइम इज अप। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या गलती थी इस क्वेश्चन में, कितने लोगों का ठीक हो। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, बहुत सारे बच्चे सेशन देख रहे हैं बट लाइक्स बहुत कम है, ऐसा क्यों? 1200 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द सेशन बट लाइक्स केवल 600 हैं। एक बार मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस सेशन को। एवरीवन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। चलो जब तक हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जब तक आप लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बहुत सारी ब्रांड्स दीज डेज, इन दिनों, ईदर हैव एक्टर्स और क्रिकेटर्स। क्या सभी को पैरलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है? पैरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ईदर होता है और जो ये और होता है, ये जो नीदर होता है और ये जो नॉर होता है, ये जो नॉट ओनली होता है और ये जो बट ऑल्सो होता है, ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो वर्ड इनसे पहले आएगा वो शब्द इन दोनों का कॉमन शब्द होगा, वो शब्द इन दोनों का कॉमन शब्द होगा। तो जो शब्द इनके बाद आएगा वो इनका अकेले का शब्द होगा। तो ईदर हैव एक्टर्स और हैव क्रिकेटर्स करते, या तो उनके पास क्रिकेटर्स हैं या एक्टर्स हैं, या फिर हैव को पहले लिख दो। हैव ईदर एक्टर्स और क्रिकेटर्स, क्योंकि हैव दोनों के साथ आएगा, ईदर और दोनों के साथ आएगा, इसलिए हमने हैव को कॉमन कर दिया। इसके आगे भी नाउन है, इसके आगे भी नाउन है। तो ईदर और जो होते हैं वो पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, मतलब जो शब्द उनसे पहले आता है वो दोनों का कॉमन शब्द होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे गड़बड़ क्या है? ये जो हैव है वो यहाँ पर आएगा। तो बहुत सारे ब्रांड्स को आजकल उनके पास क्या है, या तो एक्टर्स हैं उनके पास या फिर उनके पास क्रिकेटर्स हैं, ब्रांड एंडोर्सर्स की तरह। इसका मतलब क्या हो गया? ए वाला सेंटेंस गलत हो गया। बी को ट्राई करते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं Who do their due diligence, मतलब वो अपने आप को प्रॉपरली चेक कर, अपने आप से सेटिस्फाई हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं और केयरफुल भी होते हैं किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले। तो किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले, उसको सपोर्ट करने से पहले वो अपने आप को सेटिस्फाई पहले करते हैं। चलो सही है। इट इज़ अ लिटिल हार्ड, थोड़ा बहुत मुश्किल है इस बात पे विश्वास करना कि जो ब्रांड एम्बेसडर है उसे अवेयरनेस नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसकी जो ब्रांड है वो किस चीज़ के बारे में। अभी ब्रांड सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? स्टैंड्स आएगा। जब भी सिंगुलर नाउन होता है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हो। तो स्टैंड फॉर नहीं आएगा, स्टैंड्स फॉर आएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 और 3। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू। चलो टाइम इज अप, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। श्याम सुंदर रॉय जो हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है, और मौसमी जो है वो सेम ही होटल में चेक इन करके गए, सेम ही होटल में गए, किसके साथ? विद देयर 8 मंथ्स नंबर यूनिट एडजेक्टिव। तो जब भी नंबर यूनिट या नाउन दिया होता है या नंबर यूनिट एंड एडजेक्टिव दिया होता है, वो यूनिट कैसी आती है? नंबर यूनिट नाउन दिया हुआ है, नंबर यूनिट एडजेक्टिव, यूनिट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी सिंगुलर, यूनिट हमेशा सिंगुलर आएगी। तो मंथ्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मंथ आएगा। अपने 8 महीने के बच्चे के साथ 3 डेज लेटर, 3 दिन बाद, यहाँ पे डेज सही है, क्यों? क्योंकि ये नंबर है, ये यूनिट है, लेकिन ये एडवर्ब है, तो नंबर यूनिट एडवर्ब को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो 3 डेज लेटर सही है, लेकिन 3 मंथ्स ओल्ड या 8 मंथ्स ओल्ड गलत था। चेक इन टू का मतलब होता है होटल में चेक इन करना, होटल में अपने आप को ले जाना, मतलब होटल में आपने रूम ले लिया। सिंस द सडन फ्लडिंग, वो जो अचानक से बाढ़ आई थी, जो जून 19 को शुरू हुई थी, तब से रेसिडेंट्स जो हैं ढूंढ रहे हैं ड्राई लैंड, फूड एंड क्लीन वाटर। क्या गड़बड़ है? सिंस लिखा हुआ है। जब भी सिंस लिखा हुआ हो और उसका मीनिंग हो जब से, जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मैंने बैंकिंग की तैयारी करना स्टार्ट किया है, या जब से मैंने SSC की तैयारी करना स्टार्ट किया, जब से गवर्नमेंट नौकरी का सपना मेरे मन में आया है, तो जब भी सिंस लिखा हुआ होता है और वो टाइम के बारे में बताता है, तो जिस एक्शन के बारे में वो बात कर रहा है वो या तो हमेशा परफेक्ट टेंस होगा या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, उसके अलावा कोई भी टेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर स्क्रैम्बलिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैव बीन स्क्रैम्बलिंग। तो जब से ये चीज़ हुई है तब से रेसिडेंट्स जो है ड्राई लैंड, वाटर, फूड, इस सब को ढूंढ रहे हैं। सो बी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला तो गलत था ही। तीसरा पढ़ लेते हैं। सिलचर जो कि हेडक्वार्टर है इस डिस्ट्रिक्ट का, ये लैंडलॉक बराक वैली का हब है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कंप्राइजिंग के आगे ऑफ नहीं लिखा हुआ है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, थर्ड वाले में कोई भी एरर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों के दोनों गलत हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट? जय महाकाल कह रहे हैं मैम मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, आपका स्पोकन इंग्लिश वाला बैच लेना है तो लाइव वाला लूँ या रिकॉर्ड वाला? लाइव वाला लो बेटा, लाइव चल रहा है ना, वो लो। लाइव वाले में आपको 2 जूम क्लासेस भी मिलेंगी हफ्ते में, रोज़ हफ्ते में 2 मेरी क्लासेस भी मिलेंगी लाइव, तो 4 क्लासेस तो आपको लाइव मिलेंगी हफ्ते में, और वो भी 3 महीने तक, फिर बहुत सारी और वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो गो फॉर लाइव, डेफिनेट सी बात है वो, तो लाइव इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी मैंने आपको टाइमर नहीं दिया, माय मिस्टेक, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने में बिजी हो गई थोड़ा सा। चलो टाइमर फॉर यू। नहीं, लेटर बिल्कुल चाहिए 2 दिन बाद, आगो का मीनिंग पहले हो जाता, मीनिंग ही चेंज हो जाता, अब लेटर को आगो कर दोगे तो। चलो टाइम इज अप, देखते हैं क्या एरर है इस क्वेश्चन में। बेदिंग वॉज अ लग्जरी, बेदिंग नहाना जो था वो एक लग्जरी था क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पानी निकालने के लिए फ्रॉम द अंडरग्राउंड टैंक, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी पानी निकालने के लिए, तो नहाना भी एक लग्जरी हुआ करता था। कोई एरर नहीं है। द फैमिलीज स्टॉक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो फैमिली का स्टॉक था ड्रिंकिंग वाटर का हैड रन अवे 3 days आफ्टर द फ्लड्स. फ्लड्स के 3 दिन बाद खत्म हो गया था. एवरीवेयर ओनर्स ऑफ स्वैंकी कार्स एंड टॉल बिल्डिंग्स एज वेल एज होमलेस वर बेगिंग फॉर वाटर. जो सब जगह जो स्वैंकी कार्स के जो ओनर्स थे और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो ओनर्स थे और साथ के साथ जो होमलेस थे वो पानी के लिए भीख मांग रहे थे. इसमें तो सारे ही सही लग रहे हैं ना, इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है? हाँ, रन अवे गलत लग रहा है. रन अवे का तो मतलब होता है भाग जाना, तो पानी खत्म हो गया था वो आएगा, रन अवे नहीं आएगा. तो सेकेंड वाला तो इनकरेक्ट है. उसके अलावा कौन सा इनकरेक्ट है? जस्ट 1 second, इसमें तो मैं भी कंफ्यूज हो गई. 1 मिनट दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने दो सेंटेंस को. Bathing was a luxury as there was no electricity to draw water from the underground tank. इसमें तो कोई गलती नहीं है. The family's stock of drinking water, जो फैमिली का जो स्टॉक था ड्रिंकिंग वाटर का, हैड रन अवे तो नहीं आएगा, खत्म हो जाने वाली फ्रेजल वर्ब आएगी. और स्टॉक ऐसे नहीं आएगा, सेंटेंस ऐसे आएगा, द स्टॉक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, द फैमिली रैन आउट ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये सेंटेंस ऐसे आएगा, द फैमिली रैन आउट ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने वाले पानी का स्टॉक खत्म हो गया था, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं? रैन आउट ऑफ. तो जो फैमिली में क्या हुआ था, ड्रिंकिंग वाटर का स्टॉक खत्म हो गया था 3 दिन बाद फ्लड्स के. सेकेंड गलत हो गया. एवरीवेयर ओनर्स ऑफ स्वैंकी, स्वैंकी का मीनिंग होता है एक्सपेंसिव, तो सब जगह जो एक्सपेंसिव कार्स के जो ओनर्स थे, जो टॉल बिल्डिंग्स के जो ओनर्स थे, एज वेल एज होमलेस. अच्छा, ये एरर है, ये एडजेक्टिव है. होमलेस क्या एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक नाउन आएगा, तो एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं? द लगा के. तो यहाँ पे क्या आएगा? द होमलेस. द होमलेस का मतलब क्या होता है? सारे के सारे होमलेस पीपल. द पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर पीपल. द रिच का मतलब क्या होता है? रिच पीपल. तो यहाँ पे द होमलेस आएगा. जो बच्चे कह रहे हैं मैम एज वेल एज के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बेटा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एज वेल एज के साथ सिंगुलर वर्ब आती है. कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी एज वेल एज लगा हुआ होता है, वर्ब जो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. तो फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, जब भी एज वेल एज लगा हुआ होता है, टुगेदर विद लगा हुआ होता है, विद लगा हुआ होता है, जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है. तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? ओनर्स के हिसाब से. ओनर्स क्या है? प्लूरल है. तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पर है. यहाँ पे एक नाउन आएगा क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो यहाँ पे एक नाउन आएगा, जबकि यहाँ पे एडजेक्टिव है. तो अगर मुझे उस पूरी की पूरी क्लास को देखना है, उस पूरी की पूरी क्लास को कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? यहाँ पे द आएगा. ये वाली एरर थी इस क्वेश्चन में, छुपी हुई एरर थी. तो सेकंड और थर्ड दोनों गलत हो गए. तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. कोई दिक्कत किसी को? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ. सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप सभी को पता है, जितने भी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं उनको प्राइजेस मिलते हैं. सो ये होमवर्क क्वेश्चन है सभी के लिए. सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे. अब मैं पिछली होमवर्क वाले क्वेश्चन के विनर्स का नाम बता देती हूँ. तो पिछली क्लास हमारी जो हुई थी उसमें जो विनर्स हैं उनका नाम क्या होना चाहिए? लेट मी टेल यू द नेम्स. तो परमर गौरी फर्स्ट विनर एंड सेकंड विनर इज ऋषभ एंड परमर गौरी. आप लोग बेटा मुझे एक बार मेल कर देना कि आप ही ने वो कमेंट किया था, एक स्क्रीनशॉट भेज देना. टीम आपको कांटेक्ट करके आपको आपकी प्राइजेस, आपकी बुक्स भेज देगी. ठीक है, चलिए. सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं. ये सारे क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं. टाइम बहुत कम है, बट हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हमें सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले. और जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें. परफेक्शन बैच को रेगुलरली अटेंड करें. अगर आप मुझसे कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, तो सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आज के को डाउनलोड करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे. 12 या 24 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। 24 महीने वाला आपको सबसे सस्ता पड़ता है। कोड क्या लगाओगे? निमिषा। इस कोड को लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, स्पोकन इंग्लिश के बारे में कोई डाउट है, बुक्स को लेके कोई डाउट है, बैंकिंग की, एसएससी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी को लेके कोई भी डाउट है, आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक ज़रूर ले लेना। जितने लोगों को ग्रामर में दिक्कत है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, PDF मिल जाएगा आपको। और जितने बच्चों को ग्रामर पढ़नी है कंप्लीट बुक से, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक ले लेना, ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। चलिए सो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और कल मिलेंगे सुबह editorial analysis में. Okay. Bye bye everyone.